सो है गाइस, आज हम बनाएंगे चोकर नेकलेस। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और एक थिन कार्डबोर्ड शीट ली है। इसको इस तरह से कपड़े को हम फैब्रिक को इस तरह से गोल कट करके स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो इससे फेविकोल या ग्लू की मदद से चिपका भी सकती हैं, बट मैंने स्टिच किया है जिससे ये सिक्योर रहेगा इस तरह से। सुई धागे से आप इसको ऐसे कर लें और फिर इसमें वो जो हमने कार्डबोर्ड शीट लगाई निकाल बनाई है उसको डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसको डालकर और हम स्टिच कर देंगे। हमें अच्छे से इसको स्टिच कर देनी है। हमारा ये स्टिच हो गया है। इसी तरह से हमें पांच कर लेना है और पांचों को इस तरह से हम आपस में जॉइंट कर देंगे सुई धागे से ही। आप चाहें तो यहाँ पर जंपिंग का भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैंने सिलाई से ही सब कुछ किया है सुई धागे से ही, जिससे क्या ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे, पांचों को सिक्योर कर देंगे। ये देखिए, मैंने पांचों को जॉइंट कर दिया है। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे हम लोग। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी और वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस तरह से मैं इसमें डबल सिलाई दे रही हूँ जिससे कि ये ज़्यादा और अच्छा हो जाए और ज़्यादा मजबूत। यह हमारा हो गया है। अब हम इसमें ये मिरर लगाएंगे फेविकोल या ग्लू, किसी ग्लू गन की मदद से इस तरह से हम चारों में एक एक ये लगा देंगे, बीच में पांचों में एक एक मिरर लगा देंगे पांचों में बीच में इस तरह से। हम सब में एक एक करके एक एक सब में लगा देंगे बीचों में, जो मैंने लगा दी हैं। अब ये मैं इसमें स्टोन लगा रही हूँ, थोड़े बड़े साइज के बीट से हैं। इसको इस तरह से ग्लू कर देंगे ये मिरर के चारों तरफ से
तो चार चार हम तो इनमें चार चार लगा देंगे पांचों में। अब ये हमने पांचों में रेडी कर दिया है। अब इसमें हम धागा डालेंगे, ये डोरी। तो इसके लिए मैंने दो डोरियां ली है, उनमें बीच में मोती पिरो दिया है और एक एक दोनों को जंपिंग या सुई धागे की मदद से अटैच करेंगे। तो मैं इसको सुई धागे से अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जंपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड हम इसी तरह से जो डोरी अटैच कर देंगे। हम ये दोनों साइड इस तरह से उसमें भी कर देंगे, दोनों साइड हो जाएगी। और अब हम इसके लिए इयररिंग तैयार करेंगे। जिस तरह से मैंने नेकलेस के लिए वो कार्डबोर्ड शीट को सिला था, इसी तरह से इसमें इयररिंग के लिए एक ले लेंगे और एक मिरर बीच में डालकर, और इस तरह से ये जो होता है ना इयररिंग के लिए स्टैंड, तो इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसकी मदद से हम इसको डालेंगे जिससे कि ये हमारा सिक्योर हो जाए। ऊपर से ही लगा देंगे इस तरह से, और अब हम इसके ऊपर स्टोन चिपका देंगे जिससे ये दिखेगा भी नहीं और सिक्योर भी हो जाएगा। ये हमारा, ये देखिए जिस तरह से हमने वो नेकलेस में स्टोन चिप लगाए थे, इसी तरह से इसमें लगाएंगे। जिस तरह से हमने इसको तैयार किया है, दूसरा इयररिंग भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और हम ये देखिए इसमें डाल देंगे ये। हमारा इयररिंग बनकर रेडी है, और इसी तरह से ये दूसरा भी बना लेंगे हम। दोनों इयररिंग और नेकलेस बनकर रेडी है। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा आप